हेलो भाई साहब, क्या हाल चाल है। हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं अपना आगे का सीन यहाँ से। और भाई देख सकते हो लोग कैसे चढ़ रहे हैं। कुछ लिखा हुआ है, बाद में पढ़ के बताते हैं इसको। ये हुआ ही नहीं। चलिए तो आई थिंक आपको अभी तक बहुत ही मजा आ रहा होगा भाई तिरुपति के पावन यात्रा पे हमारे साथ। देखिए ये है मेन लास्ट गेट और यहाँ पे बहुत ज्यादा मानता है भाई। लोग देखो घुटनों पे कैसे जा रहे हैं, बच्चे बच्चे भी, बूढ़े लोग भी। यहाँ पे नारियल वो स्टार्टिंग में जैसे कर रहे थे, यहाँ पे नारियल और ये सब चढ़ा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी रिमेनिंग सीढ़ीज। इतने सारे लोग हैं, तो हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। भाई एकदम स्ट्रेट सीढ़ियाँ हैं, कैसे फील करें, एकदम स्ट्रेट है। ये थोड़ा और ऊपर आ गया मैं, यहाँ से व्यू देखो कैसे लोग आ रहे हैं भाई। बहुत ही खूबसूरत 3000 सीढ़ियां कंप्लीटेड, रिमेनिंग 550। मदन यहाँ बैठा है। मतलब कितना वो अच्छा लगता है ये देख के, कैसा लगता है ये देख के लोग आते हैं। जो लोग बहुत मेहनत करके आते हैं इधर, मतलब आस्था की वजह से आते हैं ना। कुछ मन्नत होगा शायद, मन्नत। एक्चुअली ये है ना, ये सीढ़ियाँ ऐसा ही चढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को बहुत मुश्किल होता है इसलिए ऐसे ही। मतलब सब लोग ऐसे ही आता है घुटनों पे। सब लोग नहीं, जिन्होंने बहुत मानते हैं वो लोग ऐसा आते हैं। अच्छा, ये पहाड़ का नाम ही मोकर्ण पर्वतम बोलते हैं। मोकर्ण मतलब ए मीस। ओके ओके, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ रेस्ट करते हैं फिर आगे चलते हैं। लास्ट 450, चलते रहो। काफ़ी ऊपर आ गए, लास्ट है भाई, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। 100 और कंप्लीट कर लिया, पहुंच गए 350, बचा है 3200 हो गया। मदन थक के बैठा है, सीढ़ी देखो भाई। ऐसा करें तब आपको पता चले कि हाइट कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाइट है। देखो दो सौ पचास लेफ्ट। चलो हालत खराब हो गई। चलते हैं आगे। यहाँ पे थोड़ा प्लेन मिला है, बहुत थक गए भाई। फाइनली
50 3400 सीढ़ियाँ कंप्लीट हो गई। भयंकर थक गए भाई, बहुत दर्द हो रहा है। द फाइनल एंड ऑफ सीढ़ियाँ लगभग 50। ओह भाई लगातार चले जा रहे हैं, बहुत सारे लोग पीछे आ रहे हैं। 50 सीढ़ियाँ अब ये वाली बची हैं। चलते हैं अब आपको वहाँ पे ले चलेंगे, वो पॉइंट जहाँ पे सीढ़ी पूरी सारे स्टेप्स ख़त्म हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट कर, रुक के आराम कर लेते हैं। फाइनली रीच्ड द फाइनल डेस्टिनेशन, ये देखो यहीं कहीं नंबर लिखा होगा पर दिख नहीं रहा है। तो हमने ये लास्ट सीढ़ी को किया कंप्लीट। अच्छा ये लिखा है ना, ये लिखा हुआ है 4। तो ये हुई लास्ट सीढ़ी कंप्लीटेड। Yes. Finally did it. Yes. Yes. यहाँ पे ये हो जाता है खत्म। अब हम पहुंच चुके हैं तिरुमला ऊपर और अब बढ़ेंगे हम लोग अपने लगेज की तरफ। जो लगेज हमने दिया था वहाँ पे वो कलेक्ट कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये लास्ट जर्नी हमारे तिरुपति तक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। ट्रैकिंग का पार्ट और हम लोग आ चुके हैं तिरुमला पे और अब एंटर कर रहे हैं भाई सिटी की तरफ। और मदन पूरा फुल एक्साइटेड है, थोड़ा एक्साइटेड होना भी चाहिए क्योंकि हमने भाई इतनी मेहनत करके फाइनली हम लोग यहाँ रीच हुए हैं। और ये कुछ एंट्रेंस है, उधर वहाँ मेन गेट है गाड़ियाँ आने थे। और अपना यहीं पे कहीं पे लगेज का होगा। फाइनली ये देखिए पहला दर्शन तिरुपति जी का, फ्री लगेज सेंटर। तो अब उनको भाई साहब यहाँ से लगेज लेना है, चलते हैं लगेज लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो फाइनली हमने भाई लगेज ले लिया है और बढ़ रहे हैं खाने की तलाश में क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है। और खा के फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे नहाने के लिए क्योंकि पहले दर्शन से पहले नहाते वाते हैं और उसके बाद ही आगे का सीन होता है। देखो यहाँ हम लोग पहुँच गए, ये सिटी है, यहाँ भी बीच बीच में काफ़ी मंदिर है। ये जो जगह है ये वाला, ये बिल्डिंग बड़ा, इसके अंदर ही होता है। लोग आते हैं अपने बाल समर्पित करते हैं और इसके अंदर ही नहाते धोते हैं। बाकी यहाँ पे काफ़ी फूड स्ट्रीट वगैरह है, देखते हैं हम लोग कहाँ जाएंगे। ये है उसके अंदर ही जाना है, पहले तो अभी देखेंगे हम लोग कि क्या करना है। खाने का सीन है, चलिए देखते हैं फिर बताता हूँ। तो इस वीडियो में भाई जब देखने वाले हैं कि बेसिकली आप ट्रैकिंग करने के बाद कैसे दिव्य दर्शन के लिए आगे जाएंगे और तिरुमला जो सिटी है उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग करेंगे। तो मेरा तो दिव्य दर्शन का वो टाइमिंग है 9:30 बजे। तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम बचेगा, तो पहले खाएंगे कुछ देन देखते हैं आगे क्या होता है और फिर आपको बताते हैं, देखते रहिए। तो हम लोग दौड़ते यहाँ पे आ गए। यहाँ बहुत सारा भाई खाने का ऑप्शन है, तो मदन गया है पूछने के लिए। तो यहीं कहीं पे पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्या मिल रहा है? इडली, वड़ा और पूरी।
पराठा चपाती। चलो फिर यहीं पे मंगा लेते हैं। तो पहला व्यंजन है हम लोग का इडली वड़ा सांभर चटनी। चलिए इसको खाते हैं फिर आगे देखते हैं और क्या। तो भाई साहब थोड़ा सा मेहनत करने के बाद हमको भी मिल गया एक लॉकर मेरा। तो हमने अपना सामान वामान रख दिया, अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं, बहुत थक गए हैं। फिर उसके बाद नहाए वाएंगे, मदन भी सो ही रहे, और फिर अपन जाएंगे दिव्य दर्शन के लिए। तो और उसके पहले हम लोग थोड़ा सिटी एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे आपको फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री फूड, ये सब चीज़ें कहाँ पे मिलती है वो मैं बता सकता हूँ। तो हम लोग जाके और एक्सप्लोर करेंगे और क्या क्या है यहाँ पे ऊपर में, मतलब इतने सात पहाड़ के ऊपर इतनी सारी चीज़ें बनाई गई हैं। चलो देखते हैं आगे क्या होता है।